गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बुक हॉर्नबिल। क्लास 11 की जो बुक आपकी जो हॉर्नबिल है उसका चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। राइट, इज अ स्टोरी अबाउट है ना द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। जो चैप्टर है एक रिलेशनशिप पर बेस्ड है, बॉन्डिंग्स शो करता है कि किस तरीके से जो खुशवंत सिंह जो राइटर है इस चैप्टर के और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उनके बीच की जो बॉन्डिंग्स है, एक जो रिलेशनशिप होता है कि एक है ना नॉर्मली देखा होगा आपने अपने घरों में, आपके सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स और जो उनके जो ग्रैंड सन्स डॉटर्स होती हैं उनके बीच में एक आपका एक स्पेशल बॉन्डिंग्स होता है। तो दिस चैप्टर इज है ना ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट बॉन्डिंग ऑन दैट अटैचमेंट। ये जो स्टोरी है चैप्टर है ये उसी बॉन्डिंग्स पर, उसी जो आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हीं पर बेस्ड है। तो द पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, बोल एक तरह के पिक्चर बोल सकते हैं, यानी कोई भी फोटो विच इज़ फिटेड इन अ फ्रेम उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। कोई भी फोटोग्राफ जो होता है ना जो किसी भी एक फ्रेम में फिट होता है, मेटल फ्रेम में, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लेडी कौन है आपकी, द ग्रैंड मदर ऑफ द खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह कौन है, द राइटर द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर दिस स्टोरी। जो पोर्ट्रेट है तो यहाँ पर जो नरेटर है आप खुशवंत सिंह, उनकी जो दादी है उनकी दादी की ही पोर्ट्रेट के बारे में यहाँ बात किया गया है, उस लेडी के बारे में बात किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इसमें होता क्या है कि इन द स्टार्टिंग द नरेटर इज डिस्क्राइबिंग है ना हिज ग्रैंड मदर कि हाउ शी लुक्स लाइक। स्टार्टिंग में क्या किया गया है कि स्टार्टिंग में जो आपके जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी की जो उनका जो आउटलुक है उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मेरी जो है ना कि माई ग्रैंड मदर लुक्स लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर, शी वॉज ओल्ड। वो बेट कह रहा है कि मेरी जो दादी थी वो कोई दादी कोई अलग यूनिक नहीं थी है ना, शी ऑल्सो लुकड लाइक है ना द एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर कि मेरी जो दादी थी वो मेरी दादी भी दुनिया से अलग नहीं थी, कि जैसे सबकी दादी दिखती थी या दिखती हैं मेरी भी दादी क्या थी, वैसी दिखती थी, वो बूढ़ी थी। और क्या था कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, करा के लगभग 20 साल से वो मैंने उनको ऐसे ही देखा है, वो बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर रिंकल थे, झुर्रियाँ थी। और लोग बोलते हैं क्या था कि वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रेटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। कह रहा है कि लोग बोलते हैं कि जब ये यंग थी तो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत प्रेटी थी और उनके भी हस्बैंड थे, लेकिन क्या था कि लेकिन ये मेरे लिए क्या था कि है ना इट इज़ हार्ड टू बिलीव टू मी, लेकिन मेरे लिए क्या था लेकिन मुझे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, यानी जब अभी तो वो ओल्ड थी बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर रिंकल थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उनकी जो स्किन थी वो ड्राई हो चुकी। लेकिन लोग बोलते थे क्या था कि जब ये यंग थी तो बहुत ही प्रेटी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन इस बात को मुझे यकीन करना क्या था बड़ा मुश्किल था। ये कौन बोलता है ना, इट इज़ टेलिंग नरेटर खुशवंत सिंह। फिर आगे बोलते कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो मेरा ड्राइंग रूम था उस ड्राइंग रूम में मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनकी पोर्ट्रेट जो थी वो हैंग लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और वो एक बहुत बड़ी सी टर्बन मीन्स पगड़ी जो होती है, पगड़ी जो पहनते लोग शहजादे लोग जो मिलते हैं। तो बोलते कि जो मेरी जो ड्राइंग रूम था उस ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंड फादर जो थे, मेरे दादाजी की एक तस्वीर लटकी हुई थी और वो एक बड़ी सी जो टर्बन थी उसको पहने हुए थे और उनके जो कपड़े थे वो लूज फिटिंग थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बियर्ड था जो कि उनके चेस्ट तक लंबी थी है ना, और वो लगभग 100 ईयर्स अवल्ला कम से कम 100 साल के बूढ़े दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। कह रहा है कि वो ऐसे नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी होगी और कुछ बच्चे होंगे। कह रहा है कि जब उनकी कोई पोर्ट्रो को देखता था तो मुझे ये कभी भी नहीं लगा था कि उनकी एक वाइफ होगी और कुछ बच्चे होंगे, जबकि क्या लगता था कि मुझको लगता था कि ही लुक्ड एज ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। मुझे लगता था कि इनके तो बहुत बहुत ज़्यादा क्या होंगे, ग्रैंड सन्स होंगे, यानी जब मैं उनको देखता था तो वो इतने बूढ़े थे कि उससे तो लगता ही नहीं था कि इनके एक दो ग्रैंड सन्स और कुछ वाइफ होगी,
बल्कि लगता था कि ये तो बहुत बड़े बूढ़े हैं, क्या था कि इनके तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड सन्स है ना होंगे। फिर क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं एडिटर क्या बोलते हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस। और क्या बोलता है, क्या था कि जो मेरी दादी थी वो हमें अपने बचपन में जो वो गेम खेलती थी वो बताती थी, जो कि ये मेरे लिए बहुत ही अजीब बहुत ही एब्सर्ड होते थे है ना, और हम इनको ऐसे ट्रीट करते थे। मान लो कोई भी प्रॉफिट कोई भी साधु संत क्या है कि जो फेबल सुनाता है, मतलब एक कहानी सुनाता है, हम हमेशा कभी भी हमें उनकी कहानियों में स्टोरीज में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया। आगे बोलते हैं, बोलते दादी है ना कि जो मेरी दादी थी शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। कह रहा कि दादी मेरी की उनकी हाइट कम थी, थोड़ी फैट थी, और क्या था कि शी ऑलवेज वॉक्ड है ना बेंटिंग, क्या था कि और वो हमेशा थोड़ी झुकी हुई। देखा ना, यू ऑल लुक है ना सम ग्रैंड पेरेंट्स दे लुक लाइक है ना बेंड। देखा ना, थोड़े कमर उनकी थोड़ी मुड़ जाती है, थोड़े वो किसी स्टिक की हेल्प से चलते हैं, झुक जाते हैं कमर से, उनका थोड़ा बेंड हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि जो दादी थी थोड़ी स्लाइटली फैट थी और थोड़ी मतलब शॉर्ट थी, और हमेशा क्या था थोड़ी बेंड थोड़ी झुकी हुई रहती थी वो। और कह रहा है कि उनके जो फेस था है ना, शी ऑल्स कवर विद द रिंकल्स, उस पर रिंकल ही रिंकल थे पूरे फेस पर है ना। और बोलते हैं क्या था, चेहरे पर फेस ही उनके फेस पर क्या था मतलब रिंकल ही रिंकल थे, मतलब बहुत बूढ़ी दिखती थी। और क्या बोलता कि सो ट्रेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और के अलावा मैं 20 साल से जानता हूँ है ना, आई नो माई ग्रैंड मदर है ना फॉर 20 ईयर्स शी लुक्स लाइक द सेम है ना शी हैड चेंज एट। क्या बोलते हैं कि मैं अपनी दादी को 20 साल से जानता हूँ, देख रहा हूँ उनको, वो वैसे की वैसी हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। पहले भी उनके जो फेस था उस पर रिंकल थे, झुर्रियाँ थी, उनकी जो स्किन थी वो ड्राई हो चुकी थी, और आज भी वैसी, उनमें अब तक भी कोई चेंज नहीं आया। और आगे बोलता है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज, कह रहा है कभी भी प्रेटी तो कभी नहीं हुई वो, लेकिन वो ब्यूटीफुल होती, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। और क्या था कि उनके एक हाथ में हमेशा क्या था कि उनके एक हाथ में है ना, क्या बोलते हैं कि शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलाइट विद वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। क्या था, कह रहा है कि वो एक हाथ को अपने कमर पर अपनी वेस्ट पर रखकर अपना बैलेंस बनाने के लिए क्या था कि पूरे घर में चलती घूमती फिरती थी, और एक हाथ में उनके हाथ में रोजरी, देखा ना अपने जो रुद्राक्ष जो माला होती है जो लोग जाप करते हैं, तो कह रहा है कि उनकी एक हाथ में माला, उसको वीड्स को घुमाते हुए उसको वो जाप करते हुए, और एक हाथ को अपनी वेस्ट पर रखकर अपना बैलेंस बनाने के लिए क्या था कि पूरे घर में वो यहाँ से वहाँ चलती रहती थी। और कह रहा है कि है ना हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडी ओवर हर पेल। कह रहा है कि उनके जो बाल थे सिल्वर जैसे, क्या था कि उनके पूरे चेहरे पर वो बिना बंधे हुए खुले थे, क्या थे यहाँ वहाँ घूमते मतलब रहते थे, और उनके जो फेस था उसको कभी ढक देते थे। और बोलते हैं कि उनके जो लिप्स थे वो कभी भी क्या था कि कभी भी वो मतलब बंद नहीं होते, मतलब कहने का ये है कि क्या था कि शी ऑलवेज केप्ट प्रेइंग है ना, क्या था कि वो हमेशा क्या था कि हमेशा वो एक उस जो माला थी उसको जपती रहती थी, और शी ऑलवेज केप्ट प्रेइंग, और हमेशा क्या था वो प्रेइंग, और प्रेयर क्या थी इनऑडिबल यानी नो वन कैन हियर हर प्रेयर, मतलब वो मन ही मन में, देखा ना आप लोग वो पूजा पाठ करते लोग मन ही मन में, तो ऐसे ही जो उसकी ग्रैंड मदर हैं राइट खुशबंद सिंह की, वो भी मतलब क्या था कि मन ही मन में अपनी जो प्रेयर थी उसको करती थी, उसको कोई भी नहीं सुन पाता था। और आगे बोलता कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कह रहा है जो मेरी ग्रैंड मदर थी और मैं जो मैं था कि हम दोनों अच्छे बच्चे थे, और जब से मेरे पेरेंट्स है ना शहर गए हुए छोड़कर, तब से जो मेरी दादी हैं क्या है कि वो मुझे मेरी देख टेक कर करती है, हम दोनों साथ रहते हैं। मतलब कहने का ये है, राइटर बोलता है कि जो उसके जब से की जो ग्रैंड मदर है उस राइटर की, और जो राइटर है खुशवंत सिंह, कह रहा है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और मेरे जो फादर थे और जो मेरी मदर थी वो शहर में चले गए, तब से ही मैं अपनी दादी के साथ में गाँव में रहता हूँ,
और क्या तब से जो मेरी दादी हैं वो क्या करती है, सारे काम करती हैं, वो मुझे सुबह उठाती है, नहलाती हैं, है ना, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती हैं। और साथ में क्या है कि जब साथ में जब सुबह मुझे जगाती है तो क्या होता है कि वो कुछ प्रेयर्स को, कुछ मंत्र को क्या करती हैं, जाप करती है। जाप क्यों करती है, है ना, क्योंकि कि थोड़ा बहुत मैं भी सीख जाऊँ। यानी मेरे कहने का है कि जो इसकी जो मदर थी, सॉरी जो ग्रैंड मदर थी, बहुत रिलीजियस थी, शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, है ना। उनका जो फेथ था वो गॉड में बहुत ज़्यादा था, और वो चाहती थी, है ना, कि उसका जो ग्रैंडसन है, जो खुशवंत सिंह है, वो भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को सीख जाए। इसलिए क्या था कि जब सुबह वो उसको रेडी करती तो क्या था कि हर समय वो सुबह सुबह क्या था कि डेली उसे रेडी करती, तब भी नहलाती, तब भी खाने, जो भी काम वो करती थी, क्या था कि ऑलवेज शी केप्ट प्रेइंग। वो हमेशा क्या था कि एक जो सिंह था, जो प्रेयर थी, जो मंत्र थे, उनको जपती रहती, जिससे कि जो जो नरेटर है क्या करे, वो उनको सीख जाए। देन तभी क्या होता है कि उसके बाद जब वो उसको रेडी करती, उसके बाद वो जब नरेटर रेडी होता तो जब वो जाते तब वो उसके लिए एक वुडन स्लेट, देखा, नाउ वी यूज़ नोटबुक्स, बुक्स, कॉपीज, पेन। तब क्या था, कहते हैं देर वॉज नो बुक्स, है ना, द स्टूडेंट्स स्टडी ऑन द वुडन स्लेट। क्या था कि ओल्ड टाइम में आप देखते होंगे क्या ना कि क्लास 6-8 तक क्या था कि ये बुक्स नोटबुक वगैरह नहीं थी। क्या था कि पहले लकड़ी के पट्टे होते थे, टुकड़े, जिसको बुलेट स्लेट, उससे लोग चौक से पढ़ते थे, लिखते थे। तो वही बोलता कि जब हम स्कूल जाते तो मेरी दादी थी, मुझे मेरी जो लकड़ी की जो स्लेट थी उसको बो देती थी, जिसको पहले ही वन डे के बिफोर क्या था उसको वो धोकर रखती थी, और साथ में मुझे येलो चौक देती थी और एक इंक पॉट, आप सब देखोगे इंक पॉट देती थी, इसमें इंक भरते, और मुझको रेड पेन, और क्या था उन सबको बंडल में बांधकर मुझको देती थी। यानी जब वो स्कूल के लिए रेडी हो जाता जाते तो उसकी दादी थी वो उसको जो उसका स्लेट था, जो लकड़ी का टुकड़ा था, फटा था, इसको लिखता था वो, साथ में उसका एक उसको येलो चौक लिखने के लिए, और एक टिनी अर्थन, एक लक है ना, एक मिट्टी का इंक पॉट, और साथ में एक रेड पेन, उन सबको एक बंडल में बांध कर वो उसको देती थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो उसके लिए ब्रेकफास्ट देती थी। ब्रेकफास्ट में क्या था वो, है ना कि स्टील चपाती, क्या था कि वो रात की बची हुई चपाती देती थी उसको, बटर लगा कर, थोड़ा सा उस पर शुगर रखकर, और वो स्कूल के लिए क्या थे, चलते थे। और साथ साथ में जो ग्रैंड मदर थी क्या थी कि शी, है ना, शी कैरेड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द ब्लेज डॉग। कह रहा है जब वो घर से निकलती तो रात की जो बची हुई रोटी होती थी, स्टील मतलब बासी बोलते हैं, रात का बचा हुआ खाना, तो क्या था कि वो उनको अपने साथ में रखती थी, क्योंकि जो जब वो क्योंकि जो गाँव में जो कुत्ते पड़ेंगे वो उनको खिलाने के लिए उनको साथ में रखती थी। और बोलता कि जो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। कह रहा है कि जो मेरी दादी थी वो हमेशा मेरे साथ में स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो गांव में ही था, और उसके पास में क्या था, टेम्पल था। यानी जो स्कूल था वो टेम्पल दोनों क्या थे, अटैच थे। इसलिए मेरी दादी हमेशा मुझे स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर। कह रहा है कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचते तो प्रीस्ट जो भी पादरी था, जो संत था, जो पादरी था, क्या था कि वो हमको अल्फाबेट और जो मॉर्निंग की प्रेयर थी उसको सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन द चोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और क्या था कि जो जितने बच्चे थे वो दोनों से जो भी बरांडा में बैठते थे वहाँ पर जो भी पादरी जो प्रीस था जो साधु संत थे वो जो भी उनको अल्फाबेट्स जो भी प्रेयर सिखाते थे वो उनको साथ में गाते थे। लेकिन जो मेरी दादी थी वो दादी अंदर में मंदिर में अंदर जाकर बैठती थी, वहाँ जो भी ग्रंथ थे जो भी स्क्रिप्चर थे उनको वो पढ़ती थी। और क्या होता था कि वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जैसे ही हम दोनों की अपनी अपनी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, मेरी दादी का वो जो भी वो ग्रंथ पढ़ती थी, जो भी उनके जो बुक्स थी उनको पढ़ती थी, और जैसे ही मेरी वहाँ स्टडी फिनिश होती हम दोनों घर के लिए वापस क्या होते, चल देते थे। और देन क्या होता है कि है ना कि ऑन द वे वी बोथ फाइट, है ना, टू गिव द चपातीज फॉर द डॉग्स। कह रहा है जैसे ही हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई ख़त्म करते, यानी दादी अपने मंदिर में पढ़कर पूजा पाठ कर और मैं अपने स्कूल से, तो क्या था कि हम जैसे घर के लिए निकलते तो मैं और मेरी दादी में लड़ाई होती थी। लड़ाई किस लिए कि जो चपाती जो स्टील चपाती जो मेरी मदर अपने साथ में लेके आती थी घर कुत्तों डालने के लिए, कह रहा है कि उनको कुत्तों को डालने के लिए हम लड़ते थे। और कह रहा है कि जैसे ही क्या होता है आप है ना आप क्या होता है कि नाव
When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was turning point. कह रहे जैसे ही मेरे जो पेरेंट थे क्या थे कि वो सिटी में वेल सेटल्ड हो गए है ना, दे बॉट देयर और हाउस एंड एवरी थिंग टू लिव, दे कॉल्ड अस फॉर द सिटी. क्या बताता राइटर है ना, अभी राइटर कहाँ रह रहा है, दादी साथ में गांव में. उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए थे गांव में जॉब करने के लिए. अब उसके पेरेंट्स क्या हैं, जब शहर में कंफर्टेबली सेटल हो गए तो क्या कर दिया गया, तो फिर उन दोनों ने उनके पेरेंट्स ने राइटर के पेरेंट्स ने क्या कर दिया कि राइटर को और उस दादी को क्या कर लिया, शहर बुला लिया. तो बोलते हैं कि दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप. कि ये क्या था कि जैसे ही हमारे पेरेंट्स ने मुझको शहर बुलाया तो मेरी दादी और मेरे बीच में जो फ्रेंडशिप थी अब तक की, ये क्या था कि इसमें बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है. टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, कह रहा है कि और अब गांव में क्या था, गांव में क्या था कि जो राइटर था खुशवंत सिंह है वो दादी के साथ में ही खाना बैठना उठना सोना सारे काम उनके साथ में करते हैं. अब शहर में क्या होता है कि जब वो सिटी में आते हैं तो क्या होता है, आगे बोलते हैं कि ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. कह रहा है कि यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी. क्या था कि शहर के अंदर जब हम शहर में आ गए तो यहाँ पर भी हम दोनों एक रूम में रह रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि नाव माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी. लेकिन क्या है कि अब शहर के अंदर जो मेरी दादी है वो मेरे स्कूल नहीं जा पा रही. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मोटर जो व्हीकल है जो मोटर कार है क्या है कि वो घर पर लेने के लिए आती है. और साथ में क्या था कि यहाँ पर जो स्कूल था वो क्या था, इंग्लिश मीडियम था. तो जो मेरी स्टडी थी उसमें मेरी ग्रांड जो मदर है वो हेल्प नहीं कर पाती. और साथ में क्या था कि यहाँ पर कोई भी डॉग्स नहीं थे. जब वो गांव में स्कूल से घर को जाते तो दोनों फाइट करते, लड़ते, मस्ती करते, डॉग्स को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए चपाती. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डॉग्स नहीं है है ना, जिससे कि वो चपाती डालने के लिए लड़े. और ना ही यहाँ पर दादी क्या है स्कूल छोड़ने के लिए जा रही है. तो बोलता कि ये सब क्या था, बड़ा टर्निंग पॉइंट था. क्या था, टर्निंग पॉइंट था. बट यहाँ पर क्या होता है, अब ग्रांड मदर क्या थी, उनको हैबिट थी एनिमल्स को खिलाने के लिए. तो क्या क्या होता है कि जो ग्रांड मदर है होती हैं उसकी क्या करती हैं कि दे स्टार्टेड टू फीड द स्पैरोज. अब क्या करती हैं, वो डॉग्स तो है नहीं, तो जो राइटर का जो पेरेंट्स का जो घर है उसका जो कार्डयार्ड है आंगन है क्या है कि अब वो वहाँ पर शहर के अंदर अपने आंगन में वहाँ कुछ चिड़ियाँ थी स्पैरोज. क्या था कि अब वो उनको दाना खाना क्या करती हैं, खिलाना शुरू कर दिए. कह रहा कि ऐसे ही बहुत सारे ईयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे साल बीत जाते हैं ऐसे ही. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. कह रहा है कि यहाँ पर भी वो मुझे सुबह जगाती थी, मुझे रेडी करती थी शहर के अंदर, लेकिन वो स्कूल साथ नहीं जा पा रही. लेकिन वो पूछती थी टीचर ने क्या पढ़ाया, तो मैं उनको बोलता था कि है ना कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. कह रहा है कि जब वो मुझसे पूछती थी कि क्या पढ़ाया, तो मैं उनको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था कि आज मुझे मैंने ये पढ़ाया, आज मुझे वेस्टर्न साइंस पढ़ाया गया, आज मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई गई हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि दिस मेड हर अनहैप्पी. ये क्या था कि ये सारी चीज़ें, मेरा साइंस का पढ़ना, मेरा लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ना, इंग्लिश वर्ड्स पढ़ना, कह रहा कि ये सारी चीज़ें पढ़ना क्या था कि उनको बड़ा दुखी करता था. वो उससे खुश नहीं थी. खुश क्यों नहीं थी, क्यों खुश नहीं थी, बिकॉज है ना शी वॉज अनेबल टू हेल्प मी इन माई स्टडीज. है ना, वेन आई यूज टू लिव इन विलेज विद हर ना, शी ऑलवेज हेल्प मी इन माई स्टडीज. बट वेन वी हैव शिफ्टेड टू द सिटी है ना, हियर शी वॉज अनेबल टू हेल्प मी इन माई स्टडीज. दैट्स बाय शी वॉज अनहैप्पी. वो क्यों है अनहैप्पी है, क्योंकि जब वो गांव में था राइटर दादी के साथ में, तो दादी थी वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी. कि जब से वो शहर में आया है तो भाई उसके लिए साइंस है, इंग्लिश है, जो भी उसकी स्टडीज़ थी क्या था कि अब उसकी स्टडी में, उसकी पढ़ाई में जो उसकी दादी हैं वो क्या है, वो अनेबल है. शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम. और वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं, इसलिए क्या है वो बहुत ही दुखी हैं. और साथ में क्या है कि साथ में क्या है, शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्ट. और खुश और किस लिए वो दुखी हैं है ना, द सेकेंड रीजन दे था ना कि शी डिड नॉट बिलीव इन द वेस्टर्न कल्चर द स्टडी ऑफ इंग्लिश. क्या था कि उनको इस बात का भी खुशी, उनको विश्वास नहीं था कि जो इंग्लिश स्कूल्स होते हैं उनकी जो कल्चर है, कह रहा है उसकी जो पढ़ाई है, उनको उसमें यकीन नहीं था.
और सेकंड थिंग रीजन और ये था, क्या था कि देर इज़ नो टीचिंग, देर इज़ नो स्टडी ऑफ गॉड्स और स्क्रिप्चर्स, जो भी आपके जो ग्रंथ हैं, जो गॉड है, भगवान है, करा के इनकी स्कूल में कोई भी पढ़ाई नहीं होती। वो इस बात से भी क्या थी, दुखी थी। तो इसलिए वो क्या थी कि वो उससे अनहैप्पी थी उसकी स्टडीज से, कि एक तो यहाँ पे कोई भी हमारा जो कल्चर है, जो हमारा गॉड है, जो हमारी स्क्रिप्चर्स ग्रंथ हैं, उनके बारे में पढ़ाई नहीं होती। साथ साथ में जो भी आप एकेडमिक प्रिंसिपल, ग्रेविटी लॉज हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, इंग्लिश है, क्या था, उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। साथ साथ में उसको उन पर बिलीव नहीं था वेस्टर्न स्कूल्स में, जो जो आपके जो इंग्लिश स्कूल थे उनमें उसको यकीन नहीं था। देन तभी क्या होता है कि वन डे, देन क्या होता है ना, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। तभी क्या होता है कि एक दिन मैंने दादी को बताया कि दादी दादी हाँ कि अब हमें म्यूजिक का लेसन सिखाया जा रहा है, अब हमको म्यूजिक सिखाया जा रहा है। तो क्या होता है कि शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो वो जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं म्यूजिक सीखता हूँ तो बहुत ही वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। टू म्यूजिक है ना, टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, कह रहा है कि जो म्यूजिक था उनके लिए कह रहा है बहुत ही तुच्छ वर्क था, बहुत ही ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि इट वाज द मोनोपोली ऑफ द हालॉर्ड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक। क्या था कि उनके लिए जो म्यूजिक का जो काम था वो क्या था कि वो बैगर्स के लिए था, वो गरीब लोगों के लिए था। लेकिन आपको तो चेंज हो चुका है, आप सबको पता है। लेकिन दादी की ये सोच थी कि जो लोग गाना गाते हैं या सीखते हैं बहुत बैगर्स होते हैं और वो बहुत ही निम्न सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत वो दुखी होते हैं। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा नहीं था लेकिन उनकी बातों से, उनका जो एक्सप्रेशन था, जो उनका जो फेशियल मोमेंट था, उससे ये मालूम पड़ गया था ना कि शी वॉज अनहैप्पी, शी वॉज अनहैप्पी, क्योंकि वो इससे खुश नहीं है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दर करा, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बात करना बहुत ही कम कर दिया। जिस दिन से उनको मालूम पड़ा कि मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं था बस, है ना, बट आई न्यू दैट कि शी वॉज डिसएग्री एंड शी वॉज अनहैप्पी विद दैट, और वो इससे खुश नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने बात करना बहुत कम कर दिया। अब क्या होता है कि वैन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम फॉर माई ओन। आप कह रहे हैं कि वैन आई, है ना, आई ग्रू अप, और जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मेरे लिए अब पढ़ने के लिए एक अलग रूम दे दिया गया। टू कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब क्या था कि अब मेरी दादी, अब तो क्या था कि अब तो हम सिंगल रूम में थे, थोड़ी बहुत बात हो गई, लेकिन जैसे भी यूनिवर्सिटी स्कूल्स हमें आपके यूनिवर्सिटीज़ में आया तो क्या था कि अब जो हमारे बीच में जो कॉमन लिंक था वो पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर, है ना, सेक्लूजन विद द, है ना, रिजाइनेशन। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनिमल। अब क्या था कि जो मेरी दादी थी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उसने जो भी हमारा जो रूम सेपरेट किया इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब क्या हो गया कि अब शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक। अब क्या था कि जो उनका स्पिनिंग व्हील था, अब क्या था कि अब वो वहाँ से कहीं नहीं जा रही, अब वो किसी से बात भी नहीं करती थी। और क्या था कि फ्रॉम सन राइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग रिसाइटिंग प्रेयर। क्या था कि अब वो सुबह से लेकर शाम तक अपने उस स्पिनिंग व्हील पर बैठकर क्या थी, केवल प्रेयर करती देती। अब उन्होंने किसी से भी बात करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही खुशवंत सिंह को अलग रूम दिया गया पढ़ने के लिए तो दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खुशवंत सिंह बोलते कि हमारे बीच में अब तक की जो बॉन्डिंग थी, जो भी लिंक था, वो अब पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया। लेकिन दादी ने इसका कोई विरोध नहीं किया, दादी ने कोई अपोज नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या हो गया, लेकिन अब वो सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है कि अपने उस स्पिनिंग व्हील पर बैठकर केवल प्रेयर करती थी और वो किसी से भी अब बात नहीं करती थी। और क्या होता है कि, है ना, ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और कहता केवल दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत वो रेस्ट करती थी, है ना, और जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, जो उनके कर्टियार्ड में आती थी, क्या था कि उनको वो थोड़ा बहुत खिलाती थी बरांडा में डालकर, और है ना कि रोटी के जो टुकड़े थे उनको तोड़ तोड़ कर वो केवल दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत रेस्ट लेती थी, और जो स्पैरोज थी उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करती थी, उन्हें खिलाती थी, और क्या बोलते हैं, और जो चिड़िया थी वो उनके उनके लेग्स में आकर उनके कंधों पर आकर बैठती थी, है ना, तो उनको वो तो वो क्या था बड़ी खुश होती थी। यानी जब से उसका रूम अलग किया गया राइटर का, तब से उन्होंने अपना जो स्पिनिंग व्हील था उसके पास बैठना, प्रेयर करना सुबह से शाम तक, किसी से बात नहीं करना, ये करती थी। लेकिन दोपहर के टाइम में ही केवल जो बरांडा था वहाँ आती थी, वहाँ पर जो स्पैरो चिड़िया जो आती थी उनको रोटी के टुकड़े डालकर उनके साथ में अपना जो
टाइम था वो स्पेंड करती थी, और ये जो टाइम था इस पर उसको फीड करने का, खाना खिलाने वाला, क्या था कि ये उनका पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट या टाइम होता था। और जो स्पैरोज थी वो उनके लेग्स पर, उनके सर पर, उनके शोल्डर पर आके बैठती थी तो बड़ी वो खुश होती थी। अब देन नेक्स्ट क्या होता है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब कह रहा है कि अब जो उसकी यूनिवर्सिटीज की स्टडीज पूरी हो गई, नाउ राइटर हैड डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ फॉर फर्दर स्टडीज़। अब क्या हो गया, अब राइटर ने डिसाइड कर लिया कि अब उसको आगे पढ़ाई करने के लिए उसे विदेश जाना है, बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री। तो इस पर उसकी दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको पूरा यकीन था कि शी वॉज वेरी अपसेट, कि वो बहुत दुखी होंगी। और कह रहा कि आई हैव टू गो फॉर 5 ईयर्स, और मुझे 5 साल के लिए जाना था। और उसे पता था कि पता नहीं है ना कि मैं लौट के आऊँगा तो मेरी दादी मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी वो पढ़ने के लिए क्या हो गया, बाहर चला गया। अब क्या कि दादी को ये बात मालूम पड़ी, दादी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और कह रहा है जब मैं When I left to abroad है ना, तो my grandmother also came to me है ना at the railway station, कि जो मेरी दादी थी वो भी मुझे see off करने के लिए, मुझे buy करने के लिए मेरे साथ साथ कहाँ थी रेलवे स्टेशन पर। लेकिन वो मैंने देखा तो उनके चेहरे पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था, वो अपनी माला जपने में, जो उनका रोजरी है ना, तो बीट्स थी क्या था उनको पढ़ने में, जपने में क्या थी वो व्यस्त थी। और जैसे ही मैं वहाँ से चला तो क्या किया, तो उन्होंने केवल मेरे माथे पर क्या किया, किस किया है ना। जब हम छोटे बच्चे जब होते हैं घर से भाग जाते हैं आते हैं, तो हमारी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं प्यार से किस करते हैं, तो ऐसे ही बोलता है कि जो मेरी दादी थी उन्होंने क्या किया कि वो उनकी जो फिंगर थी वो तो उस माला को जपने में व्यस्त थी, लेकिन उन्होंने जब मेरे, जैसे ही मैंने कहा तो क्या किया, उन्होंने मेरे जो फोरहेड था उसको किस किया। और बोलता है क्या था कि, और ये शायद हमारी मेरी लाइफ का क्या था कि ये आखिरी फिजिकल टच था कि उन्होंने मुझे टच किया हो, है ना। अब क्या होता है कि बट वॉट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। कह रहा है लेकिन 5 साल बीत गए जब मैंने छोड़ा उनको, तो मुझे लगा कि शायद मैं जब लौट के आऊँगा तो मुझे वो जिंदा नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे ही मैं 5 साल बाद आया तो मैं है ना घर आया तो क्या देखता हूँ कि जो मेरी दादी थी वो स्टेशन पे मुझे लेने के लिए आई हुई है। शी डिड नॉट लुक एट अ डे ओल्डर, कह रहा है कि जैसे मैंने उनको छोड़ा था वो पैसी ही थी, मुझे उनमें एक दिन का भी चेंज नहीं आया कि वो एक दिन उनकी एज बढ़ गई हो। जैसा मैं उनको 5 साल पहले छोड़ा था वो क्या था कि वो जस्ट लुक लाइक दैट, वो वैसी ही थी। आगे बोलता कि शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाई शी क्लैज मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। कह रहा है कि इस बात भी उन्होंने कोई वर्ड नहीं बोला, वो केवल अपनी माला जपने में व्यस्त थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया तो उनकी जो प्रेयर थी मैं उसको सुन पाया, जो वो जो मत जो माला जप रही थी, जो प्रेयर थी, जो प्रार्थना कर रही थी, मैं उनको सुन पाया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट बर विद हर स्पैरोज होम शी फेयर लॉन्गर एंड फ्राइबुलस रिव्यूक्स। अब क्या होता है कि जब फर्स्ट डे जब मैं आया तो उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था क्या था कि आज भी वही था, कि क्या था कि जो स्पैरोज थी उनको खाना खिलाना। आ क्या होता है कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर, अब कह रहा कि शाम को क्या होता है, दोपहर में तो जब मैं आया तो वो खुश थी, लेकिन जब उन्होंने चिड़ियों को जब स्पैरोज को जब फीड खाना खिलाया तो उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था। लेकिन शाम को क्या था कि शाम को उनमें अचानक से मुझे चेंज देखा, क्या देखा कि शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। क्या देखते हैं कि वैसे तो शाम को वो पूरे दिन अपने पैर में व्यस्त रहती हैं, लेकिन आज क्या देखता हूँ कि आज जैसे ही शाम होती है तो उनमें सडन चेंज आता है। चेंज क्या आता है कि वो आसपास की जितनी भी लेडीज थी उनको कलेक्ट करती है और साथ में एक ड्रम लेकर क्या होती है गाना गाती हैं। क्या देखती हैं, इससे पहले क्या था, इससे पहले वो केवल अपनी जो प्रेयर थी उसमें बिजी होती है, लेकिन आज क्या देखता है राइटर कि जैसे ही मैं आया हूँ बाहर से तो आज शाम को बड़ा चेंज देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि जो मेरी दादी थी उन्होंने आसपास की उनकी जितने भी मंत्र मंडली थी, जो भी उनकी जो लेडीज़ थी उन सबको कलेक्ट किया है और एक ओल्ड ड्रम लिया है। देखा ना गाँव में ढोलक जो होते हैं लोग जाने गा जो गीत का जो गीत गाने जो बजाते बजाने होते हैं उसी टाइप का, तो और क्या होते हैं उसको बजाती हैं और क्या होती हैं वो उसको और गाने गाती हैं। और वो कह रहा है कि लगभग कई घंटे तक वो उसको पीटती हैं, बजाती हैं खूब गा है ना, और गीत गाती हैं, कौन से गाना गाती हैं, ऑन द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स है ना, जो
जब कोई योद्धा घर आता है ना, तो उसके स्वागत में जो गाने गाए जाते हैं उनके वेलकम में, तो वही वो बहादुरी वाले गीत गाते हैं। अब नाव क्या होता है कि वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और कह रहा है कि जब हमने देखा कि कई सारे घंटे उनको गाते बजाते हो गए, तो हम सब ने उनका अपोज किया, उनसे मना किया कि दादी बस बहुत हो गया, आपकी तबीयत ठीक खराब हो जाएगी, आप बंद कीजिए। लेकिन वो नहीं मानती हैं और नैरेटर बोलता है कि फर्स्ट टाइम मैंने उनमें ये चेंज देखा। कह रहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा कि उन्होंने आज प्रेयर, आज प्रार्थना नहीं की है, और हम सब ने उनको बहुत मना किया कि आप गाना मत गाइए, लेकिन वो नहीं मानी। अब क्या होता है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग बीमार हो जाती हैं वो। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस इट विल गो। क्या जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा फीवर हो गया, माइल्ड फीवर, और ये चला जाएगा और ये ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंट। लेकिन जो दादी थी वो अलग ही सोच रही थी। जब वो गाना गाती पूरी रात, सुबह होता है तो सुबह तो बुखार आता है उनको, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइल्ड फीवर है, बहुत ही हल्का बुखार है, ये चला जाएगा। लेकिन दादी की जो सोच थी वो क्या थी, तो डॉक्टर से डिफरेंट थी। क्या थी, क्या बोलती है कि शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। क्या बोलती है, भैया बस बहुत हो गया, मैंने बहुत अपनी जिंदगी जी ली, अब मेरा अंत क्या है, पास है। और बोलती है सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ऑमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और क्या बोलती है, भाई अब मेरी जिंदगी कुछ घंटे रह गए और मैं उस टाइम को आपके साथ बातों में और वेस्ट करना नहीं चाहती, बस मुझे मेरी प्रार्थना करने दो, मेरी प्रेयर करने दो। बी प्रोटेस्ट बट शी इग्नोर आर प्रोटेस्ट। हमने कहा कि नहीं दादी अब हमसे बात कीजिए। दादी ने कहा कि नहीं बस मैं थोड़ी देर प्रार्थना करना चाहती हूँ, अब बहुत बातें हो गई, अब मेरे कुछ घंटे बचे हुए हैं जाने में। तो हम सब ने मना किया कि नहीं दादी हम आपसे बात कीजिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन वो इन सबको इग्नोर कर देती हैं। शी लेट पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वेड्स। क्या होता है कि वो बड़ी शांति से पीसफुली वो अपने जो वेड्स था, जो बिस्तर था, उसमें लेट जाती हैं और बड़ी पीसफुली प्रे करती हैं, और जो उनकी जो वीड्स जो माला थी उसको जपती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। कह रहा है कि तभी क्या होता है कि अचानक उनके जो होठ होते हैं उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है और उनके हैंड से जो माला होती क्या होती है वो गिर जाती है, फल हो जाती है। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड बी न्यू दैट वॉज शी। कह रहा है और उनके चेहरे पर एक अजीब सी एक पीली है ना एक पीस झलकती है और हम समझ जाते हैं कि वो क्या हो गई हैं, वो भगवान के पास पहुंच गई, उनका क्या हो गया, अंत हो गया, दादी क्या हो गई, मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ एंड बेड एंड शी है ना एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड। चला कि हमने जिस तरीके से रीति रिवाज होती है परंपराओं के हिसाब से क्या किया, उनको उनके बिस्तर से उठाया और ज़मीन पर उनको लिटा दिया और उनको एक एक रेड श्राउड से कपड़े से उनको ढक दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कह रहा है कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे का रोना धोना जब हो गया तो फिर उनका जो क्रियाकलाप होता है ना फ्यूनरल बोलते हैं उनको, उसकी व्यवस्था के लिए जब हमने उनकी डेड बॉडी को कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दिया, क्या कर दिया उसको, कुछ अकेला छोड़ दिया, तो इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड इट लिट हर रूम एंड बरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। कह रहा कि जब हमने उनके क्रियाकलाप करने के लिए सारी व्यवस्था कर ली है ना, तो कह रहे तब तो शाम हो चुकी थी और जो लाइट थी उनके कमरे में सीधे आ रही थी और वो बड़ी ब्लेज बड़ी चमक रही थी गोल्डन की तरह। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड कर्ट यार्ड ऑल ओवर द बरांडा एंड हर रूम राइट अप द वेयर शी लेड डेड एंड स्ट्रिप रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कह रहा कि जैसे ही हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर वो डेली जो स्पैरोज थी उनको खिलाती थी, क्या देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर उनकी बॉडी रखी हुई, क्या देखते हैं उनकी बॉडी के आसपास थाउजेंड स्पैरोज के आज क्या है कि लगभग थाउजेंड स्पैरोज उनकी जो डेड बॉडी है उसके चारों ओर यहाँ वहाँ बैठी हुई है ना। और क्या है कि आज वो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चिरपिंग कोई भी साउंड कोई भी नॉइज प्रोड्यूस नहीं कर रही है। वैसे डेली जब दादी होती थी तो वो चिड़िया आकर बहुत चहचाती थी, वो अपने गीत अपने गाने अपनी बातें अपनी आवाज़ों को प्रोड्यूस करती थी। लेकिन आज क्या है कि आज वो सारी स्पैरोज आई तो हैं
बट क्या है कि टुडे दे आर नॉट मेकिंग चिरपिंग, दे आर नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ साउंड और नॉइज. लेकिन आज क्या है कि आज वो आई तो हैं, बैठी तो हैं, लेकिन आज क्या है, लेकिन आज वो किसी भी तरह का कोई भी जो साउंड है, जो नॉइज है, उसको प्रोड्यूस, उसको क्रिएट नहीं कर रही हैं. वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम. जब हम सब ने देखा तो हम सबको बड़ा दुख ही हुआ कि भाई ये खाना खाने के लिए यहाँ पे आई है, क्योंकि डेली दादी खिलाती थी इसको, तो हम सबको बहुत बुरा लगा. तभी मेरी माँ अंदर जाती हैं और कुछ जो ब्रेड थी, रोटी थी, उनके लिए लेके आती हैं. और शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट द देम. और कह रहा है कि जिस तरीके से मेरी दादी उन रोटी के टुकड़ों को उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ कर उनको खिलाती थी, वैसे ही मेरी माँ उन ब्रेड्स को है ना ब्रोक करती है इनटू है ना छोटे छोटे पीसेस में और फिर डालती है खाने के लिए. बट क्या होता है कि द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. लेकिन जो स्पैरो थी, चिड़िया थी, क्या था कि जितनी भी थाउजेंड जो बर्ड थी उनमें से क्या था कि उनमें से एक भी चिड़िया ने उसमें से सिंगल पीस तक नहीं खाया. खरा तो बहुत बड़ी बात है, क्या था कि उसकी ओर नोटिस भी नहीं किया. टैटर की मदर ने सोचा कि ये खाने के लिए आई है, अब खाना खाने वाली तो रही नहीं ग्रैंड मदर उसकी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ. तो वो घर अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद वो उन रोटी के टुकड़ों को लाती है और तोड़ के डाल देती है. लेकिन जो चिड़िया थी, जो वर्ड्स थी, क्या थी, उन किसी भी वर्ड्स में क्या था, किसी भी वर्ड्स ने उन रोटी की ओर नोटिस भी नहीं किया, देखा भी नहीं. और वैन भी, जिससे मतलब क्या शो होता है यहाँ पर, यहाँ से है ना शो होता है कि दे ऑल्सो फेल्ट है ना ग्रीफ, यानी क्या था कि जो चिड़िया थी उनको भी बहुत बड़ा दुख था, वो भी वहाँ दुख में शामिल होने के लिए आए थे. वैन बी कैरेड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली. जैसे ही हम सब ने अपनी माँ की कॉप्स को उठाया, वहाँ से चल दिए, तो सारी की सारी वर्ड्स वहाँ से क्या थी, वहाँ से उड़ के चली गई थी क्वाइटली बिना. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और क्या होता है कि अगली सुबह जो नौकर था, स्वीपर था, उसने वो सारी रोटी के टुकड़े उठाकर बीन कर सब कहाँ डाले, डस्टबिन में, यानी जो वर्ड्स से उन्होंने एक भी नहीं खाया. तो स्टूडेंट ये रही आपकी स्टोरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो आप में से जितने भी नए स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने है ना जो फर्स्ट टाइम चैप्टर को वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे बस यही एक ही रिक्वेस्ट है ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको शेयर कर दें और लाइक कर दें. चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.